केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे राम मंदिर निर्माण के कार्य को लेकर कहा कि यहां राम का मंदिर नहीं भारत का इतिहास बन रहा है, जहां उन्होंने श्री रामलला का दर्शन पूजन भी किया, जिसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि जिसमें 500 वर्षों से संघर्ष रहा और बहुत सारे लोगों ने इसमें बलिदान दिया, हम लोगों की प्रतीक्षा अब समाप्त हुई। रामनगरी अयोध्या पहुंची फतेहपुर सांसद व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राम जन्मभूमि परिसर में चल रहे राम मंदिर निर्माण के कार्य को लेकर कहा कि ये राम मंदिर का नहीं भारत का इतिहास बन रहा है, जहां उन्होंने श्री रामलला का दर्शन पूजन भी किया, उसके बाद राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि जिसमें 500 वर्षों से संघर्ष रहा और बहुत सारे लोगों ने इसमें बलिदान दिया, हम लोगों की प्रतीक्षा अब समाप्त हुई, जो भव्य राम मंदिर निर्माण का सपना देखा था वह आज देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज जब मैं राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे, जहां पहले भगवान रामलला टेंट में बैठे होते थे, आज वह अपने ठाट में हैं। उन्होंने कहा, भगवान राम कहते हैं कि पहले भक्तों को घर मिले, फिर मेरा भी घर बनेगा, और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के लिए घर बनवा दिए, तो आज उनका घर भी बनना शुरू हो गया है। वही कहा कि मैं इतना मानती हूँ कि अशोक सिंघल जी की आभारी हूँ, जिन्होंने पूरे देश में एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया और पूरे समाज को जगाया, देश के सारे संतों को लाकर एक मंच पर खड़ा किया और राम जन्मभूमि की मुहिम में सबको जोड़ा। आज राम मंदिर नहीं, ये देश का इतिहास बन रहा है, स्वर्णिम युग प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 500 साल संघर्ष हुआ और बहुत सारे लोगों ने इसमें बलिदान दिए। हम लोगों की प्रतीक्षा समाप्त हुई, जिसको हमने सपना देखा था कि भव्य राम मंदिर बने, उसको हम देखें। और मैं जब आज रामलला जी के दर्शन कर रही थी, मैं दबाई थी, टाट में थे, आज वो अपने ठाट में बैठे थे, तो हमारे साथी राजेंद्र जी कह रहे थे, राम जी ये कह रहे थे, पहले सबको घर मिले, फिर मुझे अपना बाद में घर चाहिए। तो मोदी जी ने घर भी जनता के शुरू करवा दी, तब उनका भी काम शुरू हो रहा है। तो मैं तो इतना मानती हूँ माननीय अशोक सिंघल जी की मैं आज आभारी हूँ, जिन्होंने पूरे देश में एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया, पूरे समाज को जगाया। संत अपनी अपनी पूजा पद्धति में लगे थे, सारे संतों को एक मंच में ला करके और राम जन्मभूमि मुहिम में सबको जोड़ा। राम सिर्फ मंदिर नहीं है, ये देश का इतिहास बन रहा है, स्वर्णिम युग प्रारंभ हो रहा है ये मंदिर से। 2022 की तैयारी है, उसको किस प्रकार देख रहे हैं आप? तैयारी हमारी हमेशा रहती है,